मैं अक्सर सोचता हूँ, why do I cook? Is it because I'm a chef? Or is it to feed people? या मैं किसी ऐसे जायके की तलाश में हूँ जो मुझे अभी मिला नहीं? It's not that. खाना मेरे लिए एक जरिया है जुड़ने का, लोगों से, जमीन से और अपने आप से. खाना मुझे जोड़ता है पुरानी यादों से और नए रिश्तों से. मैं ठहरना चाहता हूं ताकि अपनी रसोई को, अपनी कुकिंग को थोड़ा वक्त दे सकूं और इस 20 साल पुराने रिश्ते को एक बार फिर ताजा कर सकूं. आफ्टर ऑल आई एम बिकॉज आई कुक. पुराने रिश्ते, पुराने नुस्खे और मेरी रसोई. राजा रसोई और अंदाज अनोखा. तरकश. इस तरकश को एक्चुअली बोलते हैं शादों. इसमें चाय बनती है, टिबेटन याक बटर टी पोचा. सो दिल्ली में मॉनेस्ट्री के बाहर जब भी मैं जाता हूँ ना, तो वहाँ पर दो तीन ओल्ड लेडीज बैठी रहती हैं. ऐसे उन्हें बोल होता है उनके पास, और बोल में फ्लैट नूडल्स होते हैं, और उसको सब लोग बोलते हैं लाफिंग खाया आपने, लाफिंग लाफिंग लाफिंग. एंड समटाइम्स यू गेट कन्फ्यूज कि मतलब हंसने के लिए बोल रहे हैं या खाने के लिए बोल रहे हैं. But then actually it is superbly delicious. Basic recipe है, मैदा, पानी. और मैदा यूज कर रहा हूं तो एप्रन यूज कर लेता हूं. मन्नू भाई बोलेंगे फिर कपड़े गंदे कर दिए. I tell you, ईस्ट, मैदा और पानी, मतलब बेसिक फॉर्मूला. मैं जब भी ड्राई ईस्ट यूज करता हूं तो हाफ द क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल ईस्ट. तो अगर कोई रेसिपी है जो 10 ग्राम रेगुलर ईस्ट बोल रही है तो मैं 5 ग्राम ड्राई ईस्ट यूज करता हूं. सॉल्ट बहुत कम डालूंगा बिकॉज मैं शुगर नहीं डाल रहा हूँ, और सॉल्ट ज़्यादा डाल दिया ना तो बेचारा ईस्ट मर जाएगा. और इस डो का थोड़ा सा हिस्सा मैं निकाल के रख लेता हूँ. वन ऑफ द रीजंस आई लव दिस रेसिपी इज बिकॉज टेक्निकली बड़ी स्ट्रांग रेसिपी है, और दूसरा इसका इंडियन कनेक्शन बहुत है. अगर जोधपुर वगैरह जाओ तो वहाँ पे आटे की सब्जी, आटे की वड़ी ये बहुत मिलती है. बट द टेक्निक टू दैट इज द सेम. यहां पर ये डो बना हुआ है, डो में पानी डाला और धीरे धीरे डो को इस पानी में वॉश किया. क्या होता है ना, आटे और मैदे में दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टार्च और एक होता है प्रोटीन. तो जो स्टार्च है उसका नाम है अमाइलेज, और जो प्रोटीन है उसका नाम है ग्लूटेन. और इनको अलग करने का फॉर्मूला ये है, जो मेरे हाथ में आ रहा है वो है ग्लूटेन और ये है अमाइलेज. और स्टार्च और प्रोटीन को सेपरेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है पानी, बिकॉज जो स्टार्च है वो वाटर सॉल्युबल होती है और जो प्रोटीन है वो वाटर इनसॉल्युबल होती है. अभी स्टार्च और प्रोटीन को अलग कर रहा हूं. सो नथिंग गेट्स वेस्टेड. स्टार्च अलग यूज होगी, ग्लूटेन अलग यूज होगा. आधे घंटे में स्टार्च बिल्कुल बैठ जाएगा. तो मोमो की फिलिंग के लिए गार्लिक, स्प्रिंग अनियन, धनिया पाउडर, काली मिर्च और नमक एंड बटर ऑफ कोर्स. ये गया ब्लैक पेपर. एंड बटर. अरे भैया. अरे भैया, आज देखिए आप तिब्बती खाना बना रहे हैं, है ना? ये क्या लाए? अरे देखिए सरप्राइज है भैया. सत्तू? हाँ. बताइए क्या चीज़ सत्तू है? जौ का सत्तू है. देखिए आप तिब्बती खाना आज बना रहे हैं, और आपको याद है वो परेल से हम एक स्वेटर खरीदे थे लाल रंग का, हैं? वहाँ वाला. हाँ, पहली बार आप किसी स्वेटर में अच्छे लगे थे. जो कहे थे आपका आपको भी चाहिए. वही आंटी, तिब्बती आंटी. बता रहे थे तिब्बती आंटी से लिए थे. तिब्बती आंटी को हम फोन करके बुलाए, अभी वही लाई है ये सब सामान बुला के ले आ रहे हैं. आंटी आइए. चलिए. नमस्ते आंटी. नमस्ते. कैसी दिले? ये परेशान किया इसने आपको? नहीं नहीं है? नहीं नहीं जी. कैसे आप? ठीक है जी. ये आपको छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं. ये ओम मणिपद में हम? हाँ जी, हाँ जी.
अच्छा आप क्या बना रहे हो? अरे मैं ना बना रहा हूँ एक तो गुड़ गुड़ चाय, दूसरा ओ लाफिंग, अच्छा उसका मैदा अलग किया हुआ मैंने, तीसरा ये आलू का मोमो, अच्छा इसमें आलू डाला है स्प्रिंग अनियन, थोड़ा टेस्ट करो ना, आलू है, हरा प्याज है, अच्छा टेस्टी है, है टेस्टी है, और इसका ऊपर पालक डाल के भी बना सकते हैं, तो पालक डाल के बनाते हैं ना? हाँ जी मन्नू भाई, पालक डाल के बनाते हैं फिर? पालक ले आ रहा हूँ, हाँ पालक ले आता हूँ। अच्छा मैं इसको ऐसे रख लें, हाँ अच्छा आप बनाओगे? मैं ट्राई करेंगे, ट्राई, अच्छा ऐसे बोलोगे? ऐसे रखो, आप ट्राई करोगे तो हम क्या करेंगे, करेंगे जल्दी हो जाएंगे। ये पालक बन जाएगा, आपके खाने तक तैयार हो जाएगा, आप जाइए, आपके देखने से जल्दी नहीं बनेगा। थोड़ा हो सके तो पनीर डाल दीजिएगा भैया। चलो अभी सब हो गया, ये भी लिया आपने तो और क्या? अच्छा ये कहाँ से लिया? इसी ये नहीं होता तो मेरे को आइडिया नहीं आता क्या अच्छा। तिब्बती खाना बनाना, ये अच्छा लगा ना आपको? अच्छा मन्नू भाई मक्खन तो लाता यार। हाँ भैया झोला मेरा, ये झोला है आपका आंटी। अच्छा दीजिए। अभी अभी शेक ऐसे करो कि जैसे हाँ देखो ये इसका ऐसे शेक करेगा, जितना ज्यादा शेक करेगा उतना ज्यादा टेस्ट होता है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। आप इस चाय के साथ पाई खाते हैं ना, वो सांपा का लड्डू? चाय थोड़ा ज्यादा डालो आधा कप, हाँ। फिर सांबा तीन चम्मच इतना, तीन चार चम्मच डाल के मक्खन डाल के, चाहे तो ये भी डाल सकता है शक्कर, हनी या शक्कर कुछ भी डाल के ऐसे पतला जैसे बना के खाने का। मैं डालूं? मैं इधर से पकड़ना ऐसे, हाँ जी अभी इसमें पता नहीं चला इतना मक्खन चला गया इसके अंदर। हाँ बहुत अच्छा हो गया, पक गया। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।